Wow. कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो। अरे कैसा लाता यार। दिल्ली में मेरा पता नहीं कौन सा दिन है, मेरे को याद नहीं है। अभी रात को मैंने डिनर बनाया और ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना है, मतलब जवाब नहीं इसका कोई यार, कोई जवाब नहीं है। तोरी की सब्ज़ी है, ये दही है, ये रोटी, और ये रोटी मैंने नहीं बनाई है, बाकी क्या बचा, वही यही बचा, और ये खीरा। हाँ टेस्टी है, बिल्कुल बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुँह में पानी बचा। मतलब कोई जवाब नहीं है, मतलब क्या सब्ज़ी बनाई है मैंने। और यहाँ पे आके तोरी मेरी फेवरेट हो गई है, तोरी से मेरे को प्यार हो गया। तो आज मैंने बनाया है आलू और शिमला मिर्च, और ये क्या सब्जी बनी है यार, मैं इतनी अच्छी कुक हूँ यार, आप इसका थोड़ा देख लो कितनी टेस्टी लग रही है। मतलब इससे ज़्यादा टेस्टी, मतलब इससे ज़्यादा टेस्टी रियल में दिख रही है, वीडियो में इतनी सही नहीं दिख रही, बहुत टेस्टी है यार, मैं इतनी कुक हूँ ना यार। मतलब छोड़ो, आपको एक बाइट लगे दिखाती हूँ। मतलब सिंपल सात्विक, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुँह में पानी में लाना। और आज पता नहीं कौन सा दिन है, देख लेती हूँ। तो आज 23 सितंबर है, और आए हुए मुझे कितना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। हेल्थ में कुछ तब्दीली नहीं आई है वैसे अभी तक, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आ जाएगी। और ऐसे सोच रही हूँ कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ शूट करूँ रोज़, क्योंकि प्रॉपर एक व्लॉग तो बना नहीं पा रही मैं, क्योंकि पुराने व्लॉग्स पेंडिंग है अभी एडिटिंग के लिए, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी। जब पिछले वाले एडिट हो जाएंगे तो ये सारा कंबाइन करके एडिट करके डाल दूँगी। तो आज है 29 सितंबर, ऐसे मैं आजकल व्लॉग नहीं कर रही हूँ आगे पीछे, तो ऐसे रैंडम व्लॉग डालूँगी इसमें ऐड कर दूँगी। तो आज मेरे 400 के सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो मैंने अपने लिए ये मंगवाया है, मतलब एज अ ट्रीट समझ लो। तो ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, इसमें शायद ये चटनी वगैरह डालनी है, और ये पता नहीं दही या मीठे वाला ये डालना है, और साथ ये मंगवाया है पीने के लिए। तो या दिस इज़ माय 400 की काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। ऐसे मंगवा लिया, सेलिब्रेट करने का कुछ था नहीं वैसे, पर मेरे को भूख लगी थी कि मैं कुछ अच्छा खाऊं आज, तो मैंने ये मंगवा लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ आज मेरे 400 के सब्सक्राइबर हुए, तो इसको मैं 400 के सब्सक्राइबर की पार्टी समझ देती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं इसको कैसे खाते हैं, पर शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही ऊपर डालते हैं। इसको भी डाल देती हूँ, मुँह में तो पानी आ रहा होगा वैसे आप लोगों के, तो मैं सोचती हूँ ऊपर डाल देती हूँ। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुँह में पानी मत लाना, ठीक है। हाँ टेस्टी तो लग रहा है वैसे, पर टेस्टी नहीं है, ठीक है। लाइफ में कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई, बहुत बिल्कुल टेस्टी नहीं है, मुँह में पानी मत लाना यार। आप मंगवा लो यार, अगर आपको मुँह में पानी आता प्लीज़, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मेरे को दिखाना था तो मैंने दिखा लिया, वेरी वेरी सॉरी। मेरे को नहीं अच्छा लगता है किसी के मुँह में पानी आया यार, दुख लगता है। तो यार टेस्टी चीज़ है यार, पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा कुछ खाया यार, लिटरली पहली बार मैंने कभी ऐसे, इसको पता नहीं कुछ चाट पापड़ी जैसा है ये, पर ये नवरात्रि स्पेशल था, मतलब नवरात्रों के लिए। मैंने कभी लाइफ में चाट पापड़ी नहीं खाई, तो इट्स काइंड ऑफ मेरी पहली चाट पापड़ी नहीं लग रही है मेरे को, बहुत टेस्टी है। चलो जी खाओ, तो हगो आखा ना लगो, खाता तक सड़ा लकड़ा लाए गंदोला फड़िया। तो अभी मैंने ऑनलाइन कुछ मंगवाया, और आई कांट बिलीव दिस कि ये चीज़ कैसे आ सकती है। लोगों के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मतलब लोगों के लिए, मतलब दिल्ली के लोगों के लिए या बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, मतलब ऐसा कैसे सकता है। मैंने ये देखिए कटा हुआ फ्रूट ऑनलाइन मिला, मतलब मेरे को काटने की कोई झंझट ही नहीं करनी पड़ेगी, आराम से ये लिया और खा लिया, मतलब ना सही है। हाँ मे भी शायद ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, मतलब मेरे को ऐसे रेट नहीं पता इसका। और ये मैंने इंस्टेंट टी मंगवाई, देखती हूँ कैसी होती है, बस टेस्ट करने के लिए मंगवाई है कि कैसी होती है। और मैंने मंगवाया ये कपड़े धोने के लिए, ये सिर धोने के लिए, और मच्छरों को धोने के लिए। मच्छर बहुत काटते हैं यार यहाँ पे, गंदे मच्छर हैं, दिल्ली के मच्छर बहुत चला गए, पता बहुत ज़्यादा चला गए, हाथ में ही नहीं आते, छुप जाते हैं। पहले हाथ में तो वैसे पूंछ के भी नहीं आते थे, पर दिल्ली के बदतमीज़ है मच्छर यार, मतलब बदतमीज़ है, मतलब कैसे बताऊँ कैसे बदतमीज़ है, आज बताती हूँ इनको मैं।
तो अब देख सकते हो इस आँख में अपने आप लाइनर बन गया, मतलब खाली मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर लगा रहे थे तो लाइनर बन गया कितना से। और इस साइड पे कोई लाइनर नहीं है क्योंकि मेरे को आता नहीं है, तो इस साइड से मैं फ़ोटो खींचूँगी ऐसे खाली। तो 400K की खुशी में मैं चाय पार्टी कर रही हूँ, छोटी मोटी चाय पार्टी है। और ये वाला जो बिस्किट है ना, इसकी एक स्टोरी है सैड सी, मतलब जब भी मैं खाती हूँ मुझे वो टाइम याद आ जाता है। मतलब हर चीज़ की कुछ ना कुछ स्टोरी है मेरे पास, और वो भी सैड। इडियट। मतलब ये जो बिस्किट है ना, ये वाला बिस्किट है, मस्का चस्का नहीं आता 50-50 का, बड़ा महंगा होता है जो पतला सा बिस्किट होता है जिसमें से चीज़ की कुछ अलग सी खुशबू आती है, पता नहीं कैसी। तो मैं चाय पी लूँ फिर मैं आपको इस बिस्किट की कहानी सुनाऊंगी। मतलब बचपन में मुझे बहुत पसंद था पर ये मैं खा नहीं पाई कभी भी, बड़े होके मैंने खाया, मतलब कि कॉलेज के भी बाद मैंने बिस्किट खाया। इसकी स्टोरी सुनाऊंगी पहले मैं चाय पी लूँ। जब से मैं दिल्ली आई हूँ ना, मेरे को ये करने की बड़ी गंदी आदत पड़ गई है, मैं कुछ भी खाते टाइम, क्योंकि मैं अब खुद बनाती हूँ ना सारा कुछ, तो खुद बनाती हूँ तो वो बहुत टेस्टी होता है। दिल्ली कुछ भी बना के खाती हूँ, मुझे खुद का हाथ का खाना बहुत पसंद है और मैं बनाती भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ, मैं कुक चाय पीते वक्त ऐसे बैठने का मज़ा आता है, और खाना खाते वक्त ऐसे बैठने का जो मज़ा आता है ना, पर ये है कि साथ साथ पोटी आने लगती है तो फिर थोड़ा चाय ऐसे पीने का भी मज़ा आता है। इसकी खुशबू इतनी नॉस्टैल्जिक है ना, बड़ा कुछ याद कराती है। गुड सिखरा ते जट दी ते जट थोड़ा हट नी अने नवी ना तू होमी या फ्रैंक साडे नाल नी आनी दे रो 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 थोरे अभी भी लो मजा आ गया। टेस्टी है, किसकी चाहिए? गुड वाली। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, और पिलाओ। बस मुंह गंदा हो जाएगा। अब कोको को भी नहलाना, मैंने ऐसे एक नया अच्छा डिटर्जेंट लाया, हम उससे नहलाएंगे कोको को। नहाने का नाम सुन के क्या हो गया। तो आज 1 अक्टूबर और मैं आई थी साइकेट्रिस्ट के पास। हाँ, साइकेट्रिस्ट के पास। यहाँ से दिखा के अब जा रही हूँ वापस जहाँ पे मैं रहती हूँ तिलक नगर। अभी मैं 2 डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ, और ऐसे टोटल मैंने 2 और डॉक्टरों को दिखाना है, मतलब एक साथ मैंने 4 डॉक्टर्स को दिखाना है, तभी मेरी हेल्थ ठीक होगी, नहीं तो अगर मैं एक ही चीज़ पर फोकस करूँगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जब सारी चीज़ों को एक साथ वर्क करूँगी तो इम्प्रूवमेंट आएगी। यार ये तो बड़ी बात है, क्या है? आराम से आ जाओ। तो मेरा मीरो वाले वॉशरूम में आई हूँ खाली सुसु करने, और ये तो मेरे पहली बार देखा लाइफ में कि तस्सी है, मतलब ओ सॉरी यार वेस्ट कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, हाथ साफ कर लेते हैं। वॉशरूम बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये लड़की भी बहुत अच्छी है। ये देखो यार, इसमें से देखो फुसफुस क्या निकलता है, ये जाग अरे हाथ सुखाने के लिए। इससे डर लगता है, अजीब सी आवाज़ है। ये देखो मैं इसको ऐसे से घुमाती रही, पानी नहीं आया नहीं आया, फिर मुझको पता चला ऐसे करना। तो आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गांधी जी जहाँ भी हुआ। और आज अभी मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी सुबह के टाइम, और मेडिसिन लेके आई हूँ 2 दिन की 2.5 दिन की। फिर बस ऐसी लाइफ चल रही है, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ। और कल मैंने एक फ्रूट लाया था, मेरे को वो खाने का मन बहुत सालों से था, जब भी मैं उसका फ़ोटो देखती थी मेरे को मन करता था, लेकिन मेरे को उसका नाम नहीं पता था। उसका नाम है ग्रेप फ्रूट, आपने खाया होगा शायद, मैंने बचपन में खाया है तभी मेरे को वो टेस्टी लगता है। तो अभी वो खा के देखते हैं कैसा है। तो ये है वो फ्रूट, और ये पूरे 200 रुपये का आया, मानो कि 200 रुपये का, इतना महंगा। पर चलो बड़ा है तो ठीक है, पता नहीं काटना कैसे है, मुझे कुछ खास पता नहीं है।
ये अंदर से पिंक होता है या फिर शायद रेड। आंख में चले लग गया आंख में यार, क्या यार कट ही नहीं रहा, निकल जा। शायद मैंने गलत काट दिए, खुल जाना यार, काट तो दिए पर निकल क्यों नहीं रहे। वाह कितना सुंदर है ना। चलो अब ये खा के देखती हूँ कहीं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ना हो जाए। ये क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है ये? अरे ऑरेंज जैसी खुशबू ही आ रही है, वैसे खाते कैसे उसको? बात नहीं है इसमें, मैंने काफी ज्यादा टेस्टी सोचा था। टेस्टी है पर ये थोड़ा खट्टा है, थोड़ा सा मीठा होता ना ज्यादा, ज्यादा मजा आता। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुंह में पानी मत लाना। ये लग रहा है कि जैसे आंतड़ियों के अंदर विलाई होते हैं ना जो अब्सॉर्ब करते हैं खाना, वैसा नहीं लग रहा है, है ना? विलाई बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। जैसे संतरे का हम ये खा सकते हैं ना, वैसे इसका ये वाला साइड वाला बहुत मोटा है, ये नहीं खा सकते, वैसे इसका खाली बीच वाला खाते हैं। ऐसे खोलो फिर खाओ, मुंह में पानी मत लाओ यार, टेस्ट नहीं है। ये मैंने पुंछ में खाया है, शायद किसी के पेड़ में लगा था। ये वाला खाते हैं कि नहीं? ये ऐसा लग रहा है कि मैं तकिया खा रही हूँ, जैसे पिलो नहीं होते सॉफ्ट सॉफ्ट। बहुत कड़वा है, मेरे को लगा था टेस्टी होगा। चल खाना तूने भी खा के बोल रहे, खाना तूने भी सारा खत्म कर दिया। उस वक्त के देख रहा हूँ, खिलाएंगे अब खिलाएंगे अब खिलाएंगे, जाओ यहाँ से, मैं नहीं बात करता। ये झूठा खा ले मेरा, चाट ले, बैठ यहाँ पे। अब बताऊँ तेरे को, मैं तो डॉक्टर के पास खाली पेट जाते हैं, तो मैं खाली पेट गई थी इसलिए मेरे को भी बहुत भूख लगी थी, मैंने फ्रूट खा लिया। अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, मतलब सब्जी बनाऊंगी कोई, पर मन नहीं है वैसे, खुद कुक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो भी तीन टाइम का। वैसे तीन टाइम का मैं कुक करती नहीं हूँ, मैं एक टाइम कुक करती हूँ फिर वो दो टाइम खा लेती हूँ। क्या छिलका है, उतर ही नहीं रहे। आपके लिए तो आसान था पर ये मैंने बहुत मुश्किल से काटा, मतलब आपके लिए देखना आसान था। लौटा दो वो मेरे।
gonna wear the dress you like, skin tight, so I'll wear it real nice. It's gonna look good for you, good for you. बुस के डेरे में राई का गाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। बुस के डेरे में राई का गाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासों बता तो ले ये क्या किया। तो है वही गल जिसे अपना कहा, खूबसूरत। बर्तन धोए और मेरे हाथ बुड्ढे हो गए। मेरे हाथ बहुत जल्दी बुड्ढे हो जाते हैं। खाना खाती हो ना तो भी मेरे हाथ बुड्ढे हो जाते हैं। वैसे सब्जी टेस्टी दिख रही है, पर टेस्टी है नहीं, क्योंकि सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है। मैंने थोड़ा सा घी डाला था, मतलब फिर भी अच्छी है, मतलब मेरे लिए अच्छी है। उसमें कुछ नमक मिर्च मसाला कुछ ज़्यादा नहीं डाला मैंने, बिल्कुल लाइट डाला। ओ ज़्यादा पड़ गया। सब्र का फल। अच्छा नाइट आउट बोलते ना, नाइट आउट में जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, उसके पीजी में, जो मेरे हॉस्टल में मेरी फ्रेंड बनी थी, तो वो भी यहाँ पे पढ़ने आई है, तो हम आज मस्ती मुझे करेंगे। हाय गुरु मैडम। ये वही लड़की जिसने बोला था कि बंद कर व्लॉग, बंद कर इसके व्लॉग, अच्छी खासी गेम खेल रहे थे हम, ये इसके व्लॉग बनाने बंद करो यार। म्यूजिक। तो गलती से हम गलत मेट्रो में बैठ गए थे। गलत मेट्रो में नहीं बैठे थे हम सही मेट्रो में बैठे थे। हाँ, उस मेट्रो वाले ने पी हुई थी, ठीक है। तो हम गलत जगह पहुँच गए, वहाँ उतरे वापिस, अब दूसरे में बैठेंगे। मेट्रो बुक करी है मैंने पूरी, बर्थडे है मेरा। गुड नाइट। गुड नाइट। खाली मेट्रो का आनंद लो। शर्म तो आई नहीं। हाँ बना रही हूँ भाई। तो अफसोस हम वापस गलत मेट्रो में बैठ गए। अगर पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रही, वापस मेट्रो आगे जाती है, वापस पीछे आ जाती है। क्या हो रहा है यार, हम लोग वापस उसी जगह पे घूम रहे हैं। अब तीसरी मेट्रो में बैठ रहे हैं। अभी जस्ट बैठे ही थे और पता चला ये भी नहीं जाएगी, अब वापस बाहर निकल के खड़े हो गए। इस डंगर को पता ही नहीं इसका घर कहाँ पे है। तो मैं लाइफ में पहली बार ये मशीन यूज करने जा रही हूँ। इंग्लिश छोटो पर। अरे यार क्या आ गया, कहाँ जाना है मैंने। अरे कैसा नाप है यार, कैसे करते हैं और इसको इस्तेमाल।
पैसे क्यों नहीं ले रही है? वापस क्यों गए पैसे? मेरे को उसको नोट पसंद नहीं आया। तो आज 3rd of October और कल मैं अपनी फ्रेंड के घर रुकी थी रात को, मैंने कुछ शूट नहीं करा और अब आज मैं जा रही हूँ नाना जी के पास, मतलब मेरे नाना जी दिल्ली आए तो उनसे मिलने जा रही हूँ। और मेरे पास फिलहाल सिर्फ ये कैश है, इसी के साथ मुझे छतरपुर पहुँचना है और अभी मैं हूँ द्वारका 8। वाओ मेट्रो खाली है आज। बंदा मांग रहा 70 रुपये, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब मेरे पास बचते हैं 20 रुपये। मैं कहीं पे आई हूँ और यहाँ पे खिड़कियाँ देख के मैं हैरान हो गई हूँ, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना, धूप पड़ रही है। मैं अपना जब घर बनाऊँगी तो मैं ऐसी एक पूरी वॉल में खिड़कियाँ लगाऊँगी, सिर्फ खिड़कियाँ। तो अब मैं जा रही हूँ वापस अपने रूम में और मम्मा ने पीछे इतना भारी बड़ा बैग दे दिया कपड़ों का, इसको ढोना पड़ेगा, साथ ले जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने एक प्लेटफॉर्म चेंज करा है, मतलब एक मेट्रो चेंज करी है, अपने बोर्ड में जाना है। मैं जब एक साइड में बैठ के बैग रख के आराम से बैठती हूँ, ऐसे करती हूँ। मतलब एक बैग उठाने की जान नहीं है, एक बैग। तो स्टेशन पहुंच चुकी हूँ अपने आखिरी और यहाँ से ऑटो लेना है और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है और मैं इसलिए यहाँ पे लेट चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन में। तो थोड़ी जान इकट्ठी करूँ फिर यहाँ से निकलूँगी ये भारी बैग उठा के। तो आज 1st अक्टूबर। हाँ छिलके पिलके नहीं पसंद मुझे, सबको नंगा करके पकाती हूँ। अरे बदतमीज, अबे वहाँ खाएगा मेरे से तू? अब देखना वहाँ से सब्जी निकाल दी, बदतमीज है तेरी। तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा ऐसा ऐसा हो रहा है, माइक टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। मैं आ रही हूँ, साइड पे आ रही हूँ। आ तो रही होंगी।